नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और इस समय आप मेरे चैनल फोटो क्रिएशन को देख रहे हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि अपने फोटोग्राफ पर वाटर मार्किंग कैसे की जाए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वाटर मार्क कैसे बनाया जाए और उसे कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। आपने नेट पर ऐसे कई फोटोग्राफ देखे होंगे जिन पर वाटर मार्क लगा रहता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप अपने फोटोग्राफ को किसी क्लाइंट को भेजते हैं या नेट पर अपलोड करने के पहले उस पर वाटर मार्क लगा देते हैं, तो आपकी यह चिंता खत्म हो जाती है कि कोई उसे चुरा लेगा। यह ठीक है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी तस्वीर का दुरुपयोग नहीं होगा, पर वाटर मार्क लगा देने पर इसकी संभावना कम हो जाती है। तो आइए देखें कि हम वाटर मार्क कैसे बनाते हैं और उसे अपनी तस्वीर पर कैसे लगाते हैं। इसके लिए पहले हम एक वाटर मार्क पैटर्न बनाएंगे। फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर स्थित फाइल मेन्यू को खोलें और न्यू पर क्लिक करें। आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट का विंडो खुल जाएगा। यहाँ नए डॉक्यूमेंट के लिए विड्थ में 800 पिक्सल टाइप करें और हाइट में 600 पिक्सल्स टाइप कर दें। रिजोल्यूशन को 72 ही रहने दें। अब नीचे स्थित बैकग्राउंड कंटेंट को खोलें और यहाँ ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लें और अंत में क्रिएट बटन को दबा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नया खाली डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर खुल गया है। अब फोटोशॉप इंटरफेस के बाईं ओर स्थित टूल बार से टाइप टूल को चुन लें। अब टाइप टूल के टूल ऑप्शन बार में टेक्स्ट के फॉन्ट को चुन लें। मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन को चुन रहा हूँ। आप अपनी मनपसंद फॉन्ट को यहाँ चुन सकते हैं। इसके बगल में मैंने फॉन्ट साइज 48 को सेलेक्ट किया है। आप अपने मन मुताबिक कोई भी साइज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको टेक्स्ट के तीन अलाइनमेंट ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से सेंट्रल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन के दाहिनी तरफ कलर स्वेच का थंबनेल आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करें, आपके सामने कलर पीकर पैनल खुल जाएगा। यहाँ ब्लैक कलर को चुनें और ओके बटन को दबा दें। अब खुले हुए डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपने कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को टाइप करें। कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने के लिए अल्ट बटन को क्लिक कर होल्ड करके रखें और न्यूमेरिक कीपैड पर 0169 टाइप करें। कॉपीराइट सिंबल बनाने के बाद मैं यहाँ राज फोटोटेक टाइप कर रहा हूँ। आप या तो अपना नाम या अपने कंपनी का नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद टूल ऑप्शन बार में चेक मार्क पर क्लिक कर दें। अब हम टेक्स्ट को रोटेट करेंगे। इसके लिए फ्री ट्रांसफॉर्म कमांड का शॉर्टकट Ctrl+T दबा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेक्स्ट के चारों तरफ एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स और उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैंडल बन गए हैं। कर्सर को बॉक्स के किनारे के पास ले जाएं। आप देखेंगे कि कर्सर एक डबल साइडेड एरो में बदल गया है। अब वहीं पर माउस से क्लिक करके ड्रैग करें और टेक्स्ट को रोटेट कर लें, जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं। अब हम इस टेक्स्ट की पैटर्न बनाएंगे, पर उसके पहले टेक्स्ट के चारों तरफ के एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट एरिया को ट्रिम करके हटा देंगे। इसके लिए हम फोटोशॉप के ट्रिम कमांड का उपयोग करेंगे। इमेज मेन्यू को खोलें और ट्रिम पर क्लिक करें। इससे ट्रिम का पैनल खुल जाएगा। यहाँ ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को चुन लें और ट्रिम अवे में टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट सबको चेक कर लें। अब ओके बटन को दबाकर ट्रिम के पैनल से बाहर आ जाएं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप ने टेक्स्ट के चारों तरफ के एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट एरिया को तुरंत ही ट्रिम कर दिया है। अब एडिट मेन्यू को खोलें और डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करें। डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करते ही पैटर्न का नाम तय करने के लिए एक बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर मैं राज फोटोटेक टाइप कर रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ओके पर क्लिक कर दें। अब उस इमेज को खोलें जिस पर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन डालना है। मैं स्क्रीन पर खुले इमेज पर ही कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन डालूंगा। अब यदि आपके स्क्रीन पर लेयर पैनल नहीं खुला है तो F7 दबाकर लेयर पैनल को खोल लें। लेयर पैनल के नीचे दाईं ओर से दूसरा आइकॉन क्रिएट न्यू लेयर आइकॉन है, इस पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि लेयर पैनल में एक नया ब्लैंक लेयर बन गया है और फोटोशॉप ने उस लेयर का नाम लेयर 1 भी दे दिया है। मेनू बार में एडिट मेनू पर क्लिक करें और फिल को सेलेक्ट कर लें।
इससे फिल का पैनल खुल जाएगा। यहाँ कंटेंट्स को खोलें और पैटर्न चुन लें। अब पैटर्न चुनने के लिए कस्टम पैटर्न के थंबनेल पर क्लिक करें। इससे पैटर्न पिकर खुल जाता है और आपको यहाँ बहुत से पैटर्न दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे द्वारा बनाया गया पैटर्न सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके इसे चुनें और ओके बटन दबा दें। ओके बटन दबाते ही पूरे इमेज पर आपके लिखे टेक्स्ट का पैटर्न बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह पैटर्न अभी बहुत डार्क है। इसे फिक्स करने के लिए लेयर पैनल में ब्लेंड मोड पर क्लिक करें और उसे खोलें। और यहाँ पर ओवरले या सॉफ्ट लाइट ब्लेंड मोड को चुन लें। मैंने यहाँ ओवरले ब्लेंड मोड चुना है। लेयर पैनल में ब्लेंड मोड के दाहिनी तरफ ओपेसिटी का स्लाइडर आपको दिखेगा। इसे बाईं तरफ खिसकाकर टेक्स्ट की ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें। मैंने 30% ओपेसिटी चुना है। आपको जितना अच्छा लगे उतनी ओपेसिटी चुन लें। आपने अभी अपने इमेज पर कॉपीराइट वाटरमार्क डाल दिया है। अब अपनी किसी इमेज को खोलकर उस पर दिए गए स्टेप्स को वीडियो देखकर इस्तेमाल करें और अपने इमेज पर कॉपीराइट डालकर देखें। आशा है कि आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरह के ट्यूटोरियल्स की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।